बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रोवर्ब एंड कॉल अ स्पेड अब क्या कहें कॉल अ स्पेड व्हाट इट मींस व्हाट इज स्पेड ओके आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक यानी आपको क्या होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी बातचीत के अंदर क्या होना चाहिए आप सच बोल रहे हो ऑनेस्ट हों और फ्रैंक साफ हों जो कहें साफ सुथरा एंड से एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक जो आप थिंक कर रहे हैं वही आप स्पीक करें ये नहीं कि एक चीज़ है वो उसको आप बिल्कुल कहते हो बहुत खूबसूरत है और असल में आप समझ रहे हो कि वो कपड़े हैं या कोई जूते हैं वो प्यारे नहीं हैं और आप उसको अगले को कहते हो कि दीज आर वेरी ब्यूटीफुल तो वो है कि आपने कॉल अ स्पेड जो चीज़ है उसको उसी का नाम दें और उसको बढ़ाएं नहीं दिस प्रोवर्ब आस्क्स अस नॉट टू बी इनसिंसियर यानी हमें इनसिंसियर नहीं होना चाहिए इनसिंसियर कौन सा बंदा होता है जो बेईमान होता है सिंसियर नहीं होता सिंसियर का ऑपोजिट है ना सिंसियर तो वो होता है जो आपके बारे में अच्छा समझता है या जो उसके दिल में हो वही बात करता है तो इनसिंसियर नहीं होना चाहिए कॉल अ स्पेड दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस कॉल अ स्पेड मीन बी ऑनेस्ट एंड से एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक एंड डोंट बी इनसिंसियर And say something that we really do not mean. जो आपका मतलब है आप वही कहें वो चीज़ ना कहें Don't say something that you really don't mean. Okay? Do as you would be done by. Do as you would be done by. What it means? Treat or behave towards other. ऐसा ट्रीट करें दूसरों को जस्ट एज यू वुड लाइक देम टू ट्रीट और बिहेव टूवर्ड्स यू जैसा कि आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करें डू एज यू वुड बी डन बाय डू एज यू वुड बी डन बाय ट्रीट अदर्स एज यू वांट देम टू ट्रीट यू आप जैसा चाहते हो ना कि आपको लोग ट्रीट करें रिस्पेक्ट दें आप भी उनको रिस्पेक्ट दें और अगर आप चाहते हो कि आप रिस्पेक्ट नहीं करें और दूसरे रिस्पेक्ट करें दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डू एज यू वुड बी डन बाय ट्रीट और बिहेव टूवर्ड्स अदर्स जस्ट एज यू वुड लाइक देम टू ट्रीट और बिहेव टूवर्ड्स यू आप दूसरों की तरफ कैसा बिहेव करें एज जस्ट एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड If you would like others to treat you well, you must treat them well. अगर आप चाहते हो कि वो आपको अच्छा ट्रीट करें वेल ट्रीट करें आप भी उनको वेल ट्रीट करो डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स दिस इज़ वेरी ईजी डू थिंग्स इन द राइट ऑर्डर कार्ट को हॉर्स के आगे तो नहीं बांधते ना देखें हॉर्स जो है वो मेरी अब ड्राइंग बहुत गंदी है बट आई विल लेट यू टू सी अब इस तरफ आपका घोड़ा जा रहा है तो कार्ट इसके पीछे होनी चाहिए ना जिसके ऊपर सामान लदा हुआ होता है इसके पीछे अगर नहीं होगी आगे होगी तो ये घोड़ा चलेगा कैसे इसलिए अपनी कार्ट को वो जो उसके पीछे टांगा सा लगा हुआ होता है ना घोड़े के पीछे उसको पीछे ही रहना चाहिए उसको आगे नहीं लगाएं डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स डू थिंग्स इन द राइट ऑर्डर राइट तरीके से काम करें इट इज़ द हॉर्स दैट पुल्स द कार्ट एंड नॉट द कार्ट दैट द हॉर्स नॉट द कार्ट द हॉर्स सो द हॉर्स शुड बी पुट बिफोर द कार्ट डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स ओके यानी राइट ऑर्डर में चीज़ें रख करें एम्प्टी वेजल्स मेक द मोस्ट साउंड अब ये याद रखिएगा जो वेजल एम्प्टी होती है अब एक है ये आपका बर्तन पूरा वेजल भरा हुआ है VESSEL वेजल और एक वेजल है जो बिल्कुल एम्प्टी है खाली है एम्प्टी है इसमें से साउंड ज़्यादा आएगी इसमें से साउंड कम आएगी तो जो एम्प्टी वेजल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता वो लोग ज़्यादा शोर करते हैं कि हम ये भी करते हैं हम ये भी करते हैं आपको शोर करने की ज़रूरत नहीं है जब आप कुछ हैं तो लोग खुद से आपको जान लेते हैं एम्प्टी वेजल्स मेक द मोस्ट साउंड इस प्रोवर्ब का क्या मीनिंग है वेजल्स मीन्स कंटेनर्स लाइक बकेट्स और पॉट्स
मेड ऑफ सम मेटल, इफ़ यू स्ट्राइक सच अ कंटेनर, अगर आप इनको थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक करें ना, ऊपर मारें कोई चीज़, तो व्हेन इट इज़ एम्प्टी एम्प्टी इट विल मेक मोर साउंड देन वेट व्हेन इट इज़ फुल ऑफ समथिंग, जब फुल होगी तो कम साउंड. सो ऑल्सो एम्प्टी हेडेड पर्सन, जिन लोगों के दिमाग खाली होते हैं, जो काम कम करते हैं, दोज हु आर लीस्ट एबल टू से और डू समथिंग, जो कुछ कहते नहीं हैं, यूजफुल और सेंसिबल, स्पीक द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, दैट इज़ मेक द मोस्ट साउंड, और वो ज़्यादा बातें करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं. तो इसका क्या मीन है कि एम्प्टी वेजल्स मेक द मोस्ट साउंड. आप आपका कोई फ्रेंड है, वो बोलने जा रहा है कि मैंने ये भी किया ये भी किया ये भी किया, और दूसरा आपका फ्रेंड कहता है वो क्या कह रहा है, और आप अगर ये बात कर दें एम्प्टी वेजल्स मेक द मोस्ट साउंड, तो उस अगले बंदे को समझ आ जाएगी, अच्छा ये कह रहा है कि ये काम कम करता है और बातें बस ज़्यादा करता है. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. फॉर्चून दौलत को कहते हैं. पीपल हु हैव द करेज टू टेक अ रिस्क, जो लोग रिस्क ले सकते हैं, रिस्क का क्या मतलब होता है, खतरात से खेल सकते हैं, एंड डू समथिंग, आर द वंस, वो ऐसे लोग होते हैं हु आर मोस्ट ऑफन सक्सेसफुल. फॉर्चून स्माइल्स ऑन देम, और दौलत उनके ऊपर मेहरबान होती है, उनकी जो है ना किस्मत उन पर यानी फॉर्चून का मतलब किस्मत भी है. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हमेशा किस्मत किसका साथ देती है, ब्रेव्स का, फेवर करती है ब्रेव्स को, साथ देना, फेवर साथ देने को कहते हैं. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, क्या होगा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो लोग रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, किस्मत उन्हीं के ऊपर मेहरबान होती है. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. ओके, पीपल हु हैव द करेज, जिनके अंदर करेज होती है, हौसला होता है, टू टेक रिस्क, जो रिस्क ले सकते हैं, डू समथिंग, आर द वंस हु आर मोस्ट ऑफन सक्सेसफुल, जो के सबसे ज़्यादा अक्सर सक्सेसफुल होते हैं. नेवर से डाई, अब इसका क्या मीनिंग होगा, नेवर गिव अप, यानी आपने नेवर गिव अप का मतलब अपनी हिम्मत नहीं हारनी, नेवर गिव अप, हौसला मत हारें, और इसको क्या कहेंगे, नेवर से डाई, नेवर से डाई, जो बंदा हिम्मत हार जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता. ओके, आपने मेहनत भी करनी होती है, और साथ में नेवर से डाई, नेवर गिव अप एंड स्टॉप ट्राइंग, ट्राई ना छोड़ें. इन दिस प्रोवर्ब डाई हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंस, किस सेंस में डाई को यूज़ किया है, ऑफ मेकिंग एन एंड ऑफ स्टॉप और स्टॉपिंग, यानी डोंट स्टॉप. यहाँ पे वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, जब तक जिंदगी है अपनी होप रखें, उम्मीद रखें. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो टीचर्स आपको अक्सर क्लास में कहती हैं कि बेटा प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं. परफेक्ट का मतलब है जो बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक होता है, वो किसकी वजह से होता है, प्रैक्टिस की वजह से. जितनी दफ़ा आपके हाथ से पेन से चीज़ गुजरती है आप उतने परफेक्ट हो जाते हैं. अगर अब इसके ऊपर आपने परफेक्शन गेन करनी है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, यू शुड राइट इट मोर देन 20 टाइम्स, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दिस. ओके, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. Only if you do a thing over and over again, can you become good at it? Yes, it is possible. अब Rome was not built in a day. जब भी कोई काम करना हो तो वो कोई टाइम लेता है. एक रोम जो है सिटी का नेम है कंट्री का, तो आप कहते हो कि रोम एक दिन में नहीं बना था. अब अगर एक बंदा आपसे कहते ना जल्दी जल्दी काम करो भाई ये ख़त्म करना है, आप कहो उसको कि रोम was not built in a day. कि रोम एक दिन में नहीं बना था, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है टू डू समथिंग ग्रेट एंड रिमार्केबल, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अगर चीज़ करनी हो, अजीम किस्म की, जस्ट एज इट टुक सेंचुरीज, 100 से ज़्यादा साल लगे थे टू बिल्ड इम्पीरियल रोम, रोम को बनने में, रोम को बनने में कितने साल लगे थे, हज़ारों साल, यानी 100 डिफरेंट. दिस प्रोवर्ब टीचेस अस, क्या टीच करता है, टू बी पेशेंट एंड टू प्रिजर्व इफ़ वी वॉन्ट टू डू समथिंग वर्थ वाइल. टू बी पेशेंट, कि हम सब्र से काम लें, एंड टू परस्वियर, परस्वियर का मतलब होता है मुसलसल कोशिश करना. अब ये याद रखिएगा, ये बार बार आएगा, वर्क हार्ड एंड परस्वियर, वर्क हार्ड एंड परस्वियर, परस्वियर, परस्वियर का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली वर्क करना, मुसलसल मेहनत करना, हिम्मत नहीं हारना. ओके,
this is persevere. Persevere and do a lot of work. This is the theme to success. Rome was not built in a day. Waste not, want not. Achha, you should make the best use of what you have, and then later on you will not have to look for what you need. आप जितनी चीज़ें हैं उसको बेस्ट यूज़ करें, उसका उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपकी कोई चीज़ ज़ाया ना हो. बेस्ट यूज़ करेंगे ऑफ व्हाट यू हैव एंड देन लेटर ऑन, और फिर बाद में क्या होगा, लेटर ऑन यू विल नॉट हैव टू लुक फॉर व्हाट यू नीड. आपको दूसरों की तरफ नहीं, यू डोंट हैव टू लुक कि आपको और चीज़ें ज़रूरत हैं. इफ़ यू डू नॉट स्पेंड योर मनी ऑन थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, यानी इसका मतलब यह है कि आप ऐसी चीज़ें ना लें, ऐसी थिंग्स ना लें दैट यू डोंट नीड. You will have enough to spend on what you need. फिर आपके पास चीज़ इतने पैसे बच जाएंगे कि आपको जो चीज़ ज़रूरत है आप उसके ऊपर लगा देंगे. That's it. So I think you should write it again and again on your copies कि आपको ये चीज़ें पक्की याद हो जाएं. Okay?